नमस्ते जी, आपको हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है और आपको मंजू पांडे का सुप्रीम नमस्ते। दोस्तों, आज मैं अपने जो है जलवेरा प्लांट को गर्मी में कैसे सुरक्षित रखें इसके लिए बताऊंगी। वैसे तो जलवेरा जो है जाड़े का फूल है, ठंडियों का, लेकिन अभी भी हमारे जलवेरा में दो फ्लावर आए थे, एक यह सूख गया है और एक अभी बहुत बढ़िया है, ये देख लीजिए। और पौधा भी अच्छा ही है, लेकिन अब इनको जो है, क्योंकि आज लखनऊ का टेम्परेचर 34 डिग्री है, इसलिए इनको जो है अब कहीं शेडेड एरिया में रखने की समय आ गया है। अब रखना भी ज़रूरी है, ठीक है ना। तो जो है अब इसको मैं आज ये जो सूख गया है इसको मैं ऐसे कट कर दूंगी। ये देखिए, इसको मैं कट कर दिया मैंने, और इसके मैं बीज को भी चुनूंगी और अगले सीजन के लिए सुरक्षित रखूंगी कि इसमें बीज। वैसे मेरा ये पहला अनुभव है दोस्तों, मुझे बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं है, फिर भी मैं आपसे जितना भी मुझे जानकारी है उस हिसाब से शेयर कर रही हूँ। ये जो है जरबेरा का ये मैं सीड आज कलेक्ट करूँगी, इसको 2-3 दिन रख दूँगी और ये खूब अच्छा उसमें सूख जाएगा छाए में, फिर इसके सीड को निकाल के रखूँगी सुरक्षित। जैसा कि मैंने देखा है कि सीड को कैसे रखा जाता है, प्रिजर्व किया जाता है, उस हिसाब से मैं भी करने का प्रयास करूंगी। और अपने इस पौधे को आज मैं ले जाऊंगी मेरे ऊपर छत के ऊपर, ग्रीन शेड आंगन के ऊपर रखा हुआ है, उसी जाल पे जिन पौधों को मुझे सुरक्षित रखना है मैं वहीं रखती हूँ। और आज मैं इसे भी ले जा के रखूँगी, और ये तो अभी अच्छी फ्लावरिंग दे रहा है, हो सकता है इस जब एक ब्रांच कट कीजिए तो दूसरा निकल आता है, हो सकता है कि अभी और इसमें कुछ एनर्जी बाकी रह गई हो तो ये दूसरा भी निकालें, मैं इंतज़ार करूंगी। और ये देखिए, एक ही फ्लावर है लेकिन बहुत सुंदर लग रहा है हमको। और मेरे पास जरबेरा का एक ही प्लांट है और यही एक कलर ही है, और नेक्स्ट ईयर मैं देखूंगी कि कुछ और इसमें और किस्म का ले आऊंगी और कलर का, लेकिन ये कि इसको मैं मेरा ये पहला है और मैं इसको जो है सुरक्षित रखूंगी, देखते हैं कितना दिन ही रह पाता है। वैसे इसको बहुत पानी नहीं, लेकिन इसकी मिट्टी हमेशा मॉइस्ट रहनी चाहिए, गीली रहनी चाहिए, और ये जो है खाद वही जो सब में लिक्विड फर्टिलाइज़र मस्टर्ड केक का, बनाना पील्स का, यही दो मैं देती हूँ। और इस मेरे पौधे में कभी कोई बीमारी लगी नहीं, और मान लो किसी मेरे पौधे में बीमारी लगती भी है तो मैं इसमें सबसे अच्छा आपको बताऊँ, सबसे अच्छा उपाय आज एक बार ज़रूर आजमाएं, थोड़ा सा आप 4 चम्मच गंगा जल ले लीजिए और 2 चम्मच कच्चा दूध, और उसमें 1 चुटकी भर हल्दी डालिए और उसको आप पौधे में स्प्रे वाली बॉटल से आप स्प्रे कर दीजिए, 2-3 दिन लगातार कीजिए। हल्का जो थोड़ा बहुत इसमें इफ़ेक्ट्स वगैरह या कोई शिकायत होगी वो तुरंत दूर हो जाएगी। और यदि किसी पौधे में जैसे हिबिस्कस, गुलाब में, इन सब में ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा तो हिबिस्कस में लगता है, गुड़हल में वो जो सफ़ेद रंग का, तो उसको तो धार बना के पानी से ही करिए, वो धुल जाता है। उसके बाद लहसुन मिर्चे वाला पेस्टिसाइड बना के आप 3 दिन लगातार सुबह के टाइम स्प्रे करिए, क्योंकि सुबह के टाइम करेंगे तो वो उस पर चिपक जाएगा सूख के, और वो ज़्यादा असरदार होगा। और वो 3 दिन के बाद आपको
उस पर कोई इफेक्ट्स वगैरह नज़र नहीं आएंगे, वो एकदम साफ हो जाएगा। फिर बीच बीच में उसको पानी की धार बना के आप धुलते रहिए, फिर वो कभी नहीं लगता है। दोस्तों मैं आपको बता रही थी जरबेरा के बारे में, लेकिन कुछ ज़्यादा ही मैं भूल गई, इसके लिए क्षमा चाहती हूँ। और मेरा वीडियो लाइक ज़रूर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट ज़रूर लिखें, अच्छा ही ना लिखें लेकिन ये कि मेरी कमियों को ज़रूर उजागर करें जिससे मैं समझ सकूँ।